अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह केने का काम है बनाई ब्लॉग ना एक घर आया तो बाद नजर नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम, आज ईद उल अज़हा दिन स्वीडन में ना तो जी असी रेडी हो गए। मेरी तरफ सारे ईद मुबारक हो गए जी। कपड़े बड़े दिन बाद पाए ने। ते दूसरा काम जेड़ा साडा हुंदा खीर खाना स्वीट खाना कोई भी चीज़ खा के असी जी निकल गए ईद वास्ते। ऑलवेज जी असी दाखिल हो गए हैं तो सब तो पहले चप्पल साइड पर रख लें। उसके बाद जी अब बहुत ही रश है, वेख सकते हो माशाल्लाह स्वीडे अरबी पाकिस्तानी सारे मिक्स ही बंदे आए ने इत्थे कंट्री दे। असी जी यही समझे सी कि असी लेट हो गए पर अंदर गए तो पता लगा जी ईद की नमाज 9 बजे हुई थी, क्योंकि हर मुल्क के हर कंट्री के बंदे ने इस करके मौलवी साहब और स्वीडिश लहदा गल करनी फिर अरबी करनी फिर उर्दू गल करनी क्योंकि सारे समझ आए। इस करके मसलन असी बैठे रहे इंतजार किया तकरीबन अद्धा घंटा तो 45 मिनट। बहुत इंतजार तो बाद जी ईद की जमात खड़ी हो गई है। असी जी हूँ ईद की नमाज अदा कर लगे हाँ। बाहर इस बिल्डिंग जी अज ईद पढ़ी है। मस्जिद थोड़ी छोटी होंगे इस करके मैंने एक कार रख ली उसमें सारे ईद पढ़ते हैं। पीछे तुम देख सकते हो दोस्त आ रहे हैं। बहुत ही खुला हाल है तकरीबन बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार बंदे तक मैंने ईद कट्ठी बंदा पढ़ सकता है फिर इस करके इतनी मैंने पढ़ी है। ईद तो बाद जी जो दूसरा काम होता सारे वो कर रहे हैं तो देख सकते हो तुम। फोटो शुटवा बना के जी असी निकल गए घर वाल। सांझी याद आया कल गोश्त लेना भुल गए सा तो असी हूँ चलिए सीधा मार्केट ही। मार्केट जी असी आ गए हाँ अरबियां की जी मार्केट है। इतों सब तो पहले असी गोश्त ले लिए। गोश्त बड़ा महंगा तकरीबन 150 करोन तो किलो है। गोश्त लैके जी असी सिंपल कार आ गए सारे दोस्त। उसके बाद जी भुख बहुत ज़्यादा लगी सी मैं कि सब तो पहले चाट ही बना लिए जी जल्दी बन जाए दी तो असं प्रोसैसर शुरू किया। चाट का जी मैं शौक भी बहुत ज़्यादा खाण का भी तो बनाने का भी इस करके चाट असी तैयार कर दी। चाट बनाने तो बाद जी मामू भी आ गए सन तो ईद शीद उन्होंने मिली है। उसके बाद जी असी चाट खाधी है। चाट खा के असी जी जाने चाचू को मामू के नाल। असी जी जा रहे हूँ चाचू के घर ईद शीद मिलन। तो माशाल्लाह अज मौसम भी बहुत खूबसूरत बने है। तुम वेख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है बाकी वैदर खूबसूरत है। चाचू के घर जी असी पहुँच गए हैं। थोड़ी गपशप लाइए तो खाना खा के जी असी जी वापस आ गए। उतु 3 बजे का टाइम हो गया। गर्मी की शिदत एंड ही हो गई है। प्लस 27 टेंपरेचर गए है। सारसी मन भी रहने वाले बंदे मन भी 15-18 के साढ़े वास्ते बहुत गर्मी है। कार असी आ गए जी वापस। कार आ गए अगे कैमरे थले फोटो चुकन वास्ते गए हैं तो थले गए तो नाल ही जाना बैटरी खत्म हो गई हूँ चार्जर तो लाइए। अज बहुत दिन बाद पाकिस्तानी सूट पाया नॉर्मल तो असी पाते ही नहीं। ओके जी सो गए सी तो हूँ उठे हाँ तो माशाल्लाह खिड़की खोलिए तो VIP मौसम के नाल बारिश हो रही है। गर्मी दोपहर ही बहुत सी तो हूँ जोड़ा ना रब ने कर्म कर दिता बहुत ही बारिश हो रही है। मौसम VIP बन गया
ਪਲਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜੀ ਕੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਕ ਗੋ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਮ ਹੀ ਟੁਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੋਸਤੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਮ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਕਆਊਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਈਦ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਕ ਅੱਕ ਕੇ ਖਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਸੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੰਮ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।